नितिन, देखो मुझे क्या मिला, हमारे बचपन की तस्वीरें। हमको देखो, अब से कितने अलग दिख रहे हैं। क्या ये पाइनएप्पल केक है? ओह, अब तो हमें चॉकलेट केक पसंद है। सही कहा, देखो ये पीली ड्रेस जो माँ ने मुझे पहनाई थी। अब तो मुझे नीला रंग पसंद है। हाँ हाँ, वो हाफ पैंट तो मुझे अब आएंगी भी नहीं। अब मैं पहले से लंबा और आत्मविश्वास से भरा महसूस करता हूँ। मैं पक्का कह सकती हूँ कि अब हम अपने दोस्तों से ऐसे ड्रेस पहन के कभी नहीं मिलना चाहेंगे। तुम दोनों आ जाओ, कुछ फल खा लो। जैसे जैसे तुम बड़े होगे, तुम अपने शरीर और जीवन शैली में बहुत सारे बदलाव को महसूस करोगे। किशोरावस्था में इंसान के शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो युवावस्था को दर्शाते हैं, वो ये है कि लड़के और लड़कियां प्रजनन में सक्षम हो जाते हैं। जैसे कि 12 से 16 साल की उम्र की लड़कियों में हर महीने 3 से 5 दिन के लिए मासिक धर्म शुरू हो जाता है। हाँ, ये सही है। लड़के अपनी लंबाई, आवाज एवं शरीर में बहुत सारे बदलाव को महसूस करते हैं। वे नींद में या जब वे जागते हैं, तब वे अचानक स्खलन को महसूस करते हैं। यह युवा अवस्था की ओर बढ़ने की निशानी है और यह बिल्कुल सामान्य है। मासिक धर्म और रात में स्खलन के समय व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको स्वच्छ और स्वस्थ रखता है। कृपया साफ कपड़े पहनें जो धूप में धुले और सूखे हों। कोमल परेशान दिख रही है, वो ठीक तो है, मुझे उससे बात करनी चाहिए। कोमल, कैसी हो तुम? तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना? मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं दूसरी लड़कियों की तरह सुंदर नहीं दिखती। मैं इनके साथ फोटो खिंचवा कर खराब नहीं करना चाहती। तुम सुंदर हो बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम हो। तुम इतनी प्रतिभाशाली हो और हर साल स्कूल डायरी की थीम तैयार करती हो। असली सुंदरता हमारे अंदर छुपी होती है, जिसे हम अपने कौशल और कला के माध्यम से व्यक्त करते हैं। लेकिन मेरी लंबाई छोटी है और लोग मुझे चिढ़ाते हैं कि मैं कभी लंबी नहीं हो पाऊंगी और ना ही युवावस्था में प्रवेश कर पाऊंगी। ये सब सिर्फ किशोरावस्था से जुड़ी भ्रांतियाँ और रूढ़ियाँ हैं। क्या तुमको मीना मैम की क्लास याद है? एक किशोर के रूप में तुम सबको यौवनावस्था से जुड़ी बहुत सारी वर्जनाओं और भ्रांतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन तुम सबको उनको दूर करना है और अपने आसपास के लोगों को शिक्षित करना है। अगर कोई लड़की 16 साल की उम्र में यौवनावस्था में प्रवेश नहीं करती, तो इसका मतलब केवल ये है कि वो अपनी गति से यौवन को प्राप्त करेगी और कुछ नहीं। देखो कोमल, इन फूलों की तरह हम भी अपनी गति से खिलते और बढ़ते हैं। हम सब अपने भीतर कुछ विशेष गुणों को रखते हैं, जैसे फूल अपने भीतर खुशबू रखते हैं। जो मायने रखता है वो सिर्फ ये है कि खूबसूरती हम सबके भीतर है, तुम्हारे भीतर है। चलो एक फोटो खींचते हैं। ये आवश्यक है कि यौवनावस्था के साथ जो बदलाव आते हैं, उनको स्वीकार किया जाए और उनके साथ सहज रहा जाए। अपने साथियों के साथ सहानुभूति भरा व्यवहार रखें और उनको समझाएं अगर वो परेशान हो। अगर आपके सामने कोई चुनौती आती है, तो आप अपने परिवार, अध्यापक, दोस्तों से खुलकर बात करें या सरकारी क्लिनिक से किशोरावस्था के अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करें।